हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह फिर से आपके साथ मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट होम ट्यूटोरियल में। आज दोस्तों हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए, कई सारे लोगों ने हमें बताया कि सर नंबर सिस्टम में कुछ एक पार्ट जो ज़्यादातर पूछ लिया था, मतलब लगभग एक सवाल पूछा ही जाता है, उसी के आधार पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि आरोही तथा अवरोही क्रम में एक छोटा सा पार्ट आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे आपके साथ ही ये क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, पहले से 3 क्वेश्चन हैं और भी करेंगे, तो इस पे सबसे पहले इस पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे लिखा है 7/9, ठीक है, और 8/11, ये दो संख्या है, ठीक है, दो आपके फ्रैक्शंस हैं, और इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो दोस्तों अभी तक हम बेसिकली करते क्या है, हम लोगों ने कई चीजें देखी फ्रैक्शन में, छोटा बड़ा डिसाइड करने का एक तो सिस्टम है कि इसको पॉइंट में बदले, तो पॉइंट में दोस्तों ये जो नीचे के दिए हैं ये कहीं प्राइम नंबर दिया है कहीं ऑड नंबर, ऑड नंबर में तो ठीक है, जब प्राइम नंबर नीचे डिनोमिनेटर में आपके दिया हर में दिया है तो उसको पॉइंट में बदलना, मतलब कि कभी ऐसी वैल्यूज आने शुरू हो जाती है कि 6.66666 ये ऐसा आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग को होती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए इसी पे हम लोग देखना है, विद इन सेकेंड हल करना है। ठीक है, एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन है, अगर हम बात करें इसमें कौन सा बड़ा है कौन छोटा, तो कुछ लोग करते हैं इसका इससे गुणा कर देते हैं 77 आ गया, इसका इससे गुणा कर देते हैं 72 आ गया। ठीक है, तो आप देखेंगे इस दोनों में कौन सा बड़ा है दोस्तों, 77 यानी ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा था और ये छोटा था। ठीक, तो बड़ा छोटा तो आपने चेक कर लिया इस तरह से, लेकिन जब कई सारे फ्रैक्शन इसी तरह दिए हो, ठीक है, तो आप कैसे डिस्कस करोगे उसमें, उसमें प्रॉब्लम आती है। इतने सारे फ्रैक्शन दिए हैं, 7/9 दिया है, 15/17 दिया है और 17/21 दिया है, 19/23 दिया है, इस तरह से फ्रैक्शन दिए हैं आपके। अब आप क्या करोगे कि इनको उसी तरह से इसका इससे मतलब क्रॉस गुणा करते जाओ, चेक करते जाओ, एक एक एलिमिनेट करते जाओ। लोगों ने ये बताया लेकिन हमको कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। दोस्तों एक बहुत आसान सा तरीका बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक सिस्टम होता है कि अगर इनके डिनोमिनेटर बराबर होते, ठीक है, इनके डिनोमिनेटर मतलब हर अगर बराबर होते तो ऊपर जो न्यूमरेटर में है या अंश में जो है, जो बड़ा होता वही बड़ा, जो छोटा होता वही छोटा, ऐसा हम लोग जानते हैं। जनरली लिखा जाए 5/2, 7/2, 9/2 लिखा जाए, तो हमको पता है कि ये सब नीचे का बराबर है, तो ऊपर जो बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ा, जो छोटा वही फ्रैक्शन छोटा। लेकिन यहाँ पर अब बराबर नहीं है, तो लोग कहते हैं कि भाई बराबर कर लो, 4/5, 5/6 और 3/4 ऐसे लिखा है, कहते हैं भाई बराबर कर लो, एलसीएम दिला देते हैं, एलसीएम ले लिया भाई इनका, हम लोगों ने इनका एलसीएम कितना आएगा कोई भी मान लेते हैं 60 आएगा। ठीक है, तो अब बराबर करने के लिए इससे इसको भाग लगाया, फिर इसमें गुणा कराया, ये किया, ठीक, तो ये भी सही है, चलो यहाँ पर ठीक है, कुछ हद तक सही है। लेकिन जब ये इस तरह से डिजिट दिए हैं तो एलसीएम लेना ही अपने आप में एक लंबा टास्क हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अब इस बात को ध्यान से दोस्तों समझिएगा, ये सारी ट्रिक्स आप छूट जाएंगी आपकी अगर आपने ये चीज देखी। ठीक, हम क्या करते हैं, यहां से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2, यहाँ पे 15/2 17, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, ठीक है, यहां पर 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहां पर डिफरेंस बराबर होता सब में, ठीक है, ये डिफरेंस बराबर होता तो ऊपर जो बड़ा वही बड़ा, जो छोटा वही छोटा होता। लेकिन यहां पर हम लोगों ने देखा 2 का डिफरेंस इधर बराबर, जानबूझ करके ये रखा गया दोस्तों, और 2 का डिफरेंस इधर बराबर। ठीक है, तो अब इन दोनों में जब इनका डिफरेंस बराबर तो हमको पता है कि ये संख्या हमारी बड़ी है, तो ये फ्रैक्शन भी बड़ा है। इन दोनों का डिफरेंस बराबर तो इसका देखा ये बड़ी तो ये बड़ा। अब यहां से 15 और 17 आ गया, ठीक है, 19 और 23, इन दोनों को लेकर के आप पुराने पैटर्न पे चेक कर सकते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी वहां पे एटलीस्ट करना पड़ेगा, वही आपको एलसीएम ले या फिर क्रॉस गुणा करें, इससे अच्छा है कि हम लोग इनका जब हमने बताया कि डिफरेंस अगर बराबर है तो निश्चित तौर पे जो संख्या बड़ी है वही बड़ी होगी, जो छोटी है वही छोटी होगी।
तो हम लोग क्या करें, इन्हीं को नंबर आवर कर लें भाई। ये डिफरेंस हमेशा कितने भी बड़े नंबर दिए जाए, डिफरेंस बहुत कम दिया जाता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम लिया हमने, इनका क्या है 4। अब इस एलसीएम को इसी डिफरेंस से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे दोस्तों, कितना आएगा 2। इस 2 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 7 में 2 का गुणा कितना हो जाएगा 14। इससे भाग लगाया, फिर 2 आया, 2 का यहाँ पर गुणा किया, कितना आया दोस्तों 30। फिर अब इसको इनसे भाग लगाया, 4 से भाग लगाया, कितना आया 1। अब इससे भाग लगाया तो 1 का यहाँ गुणा कितना होगा 17, और इससे भाग लगाया फिर 1, तो फिर से गुणा 1 कितना होगा 19, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास ये आ गया, ये डिजिट, इनमें से जो डिजिट बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जो डिजिट छोटा वही फ्रैक्शन छोटा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे फिर से ट्राई मारते हैं, देखते हैं। अभी तो था कि 2 का डिफरेंस बराबर था, अब अगर अलग अलग है, जैसे मान लीजिए लिखा है क्वेश्चन आपका 15/19, 17/21, 18/23 और 19/22, ठीक है। तो देखेंगे इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों, 4 का इसका डिफरेंस कितना है, 4 का इसका डिफरेंस कितना है, 5 का और इसका डिफरेंस कितना है 3 का, ठीक है भाई। तो अब देखिए यहां पर ये फिर से 2 बराबर हो गए, मान लो ये भी बराबर ना होते तो क्या होता, ठीक। चलो इसको भी बराबर हम लोग नहीं रखते हैं, 19 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया डिफरेंस, 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए कोई भी डिफरेंस बराबर नहीं है, लेकिन यहां पर आप कहेंगे कि न्यूमरेटर बराबर, तो इसमें ये बड़ा है, यहां से भी समझ जाएंगे, इसको भी कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देते हैं 14 और 2 16, ठीक ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस 2 का हो गया, अब सारे अलग अलग हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है भाई। इनका एलसीएम कितना होगा, बोलिए भाई एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 60, ठीक है। अब 60 एलसीएम लेकर के हम क्या करेंगे, 60 को 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे, 5 से लगाएंगे और 3 से लगाएंगे, ठीक है। एलसीएम अगर आप लोगों को लेने में प्रॉब्लम है, कोई जरूरी नहीं एलसीएम ले, ऐसा एक डिजिट ले लें जो इन सबसे विभाजित हो जाए। तो हमने ले लिया 60, 60 को हमने 4 से भाग लगाया, इससे 60 को भाग लगाया 4 से, भाई कितना आया आपका 15। तो इस 15 का तुरंत यहां पे गुणा कर देंगे, 15 का 15 से गुणा कर दिया, ठीक है। फिर इससे एलसीएम को भाग लगाया, 60 को लगाया, किससे 2 से, कितना आया 30, 30 का यहां पे गुणा कर दिया, ठीक है। फिर इससे 5 से भाग लगाया 60 को, कितना आया दोस्तों 12, 12 से यहां पे गुणा कर दिया। फिर इस 3 से भाग लगाया 60 को, कितना आया आपका 20, 20 का यहां से गुणा कर दिया, ठीक है। अब ये गुणा करके जैसे ये हमने लिखा 225, 14 दिया 42, 420 और 12 की 96, 6 9 12 कम 12 9 21, 216, ठीक है। इससे 19 9 38, 380। अब देख रहे हैं यहां पर जो भी संख्या बड़ी वही बड़ी, जो संख्या बड़ी वही भिन्न बड़ा, जो संख्या छोटी वो भिन्न छोटा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा क्या किया हम लोगों ने, इनके अंश और हर का अंतर लिया, उनका एलसीएम लिया, एलसीएम से इनके एलसीएम को इनके अंतर से भाग लगाते गए, जो आता गया ऊपर न्यूमरेटर में गुणा करते गए, ठीक। ये हो गया, क्लियर भाई। अब ये जब कर लिया, इसमें जो जो फ्रैक्शन बड़ा हो, जो भिन्न सॉरी ये नंबर बड़ा आया, जो संख्या बड़ी आई वही भिन्न बड़ा होगा, जो संख्या छोटी आई वो भिन्न छोटा होगा। बहुत छोटा सा था दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब देखिए यहां से, हाँ एक चीज और डिस्कस कर दे, बच्चे ने हमसे एक दिन पूछ दिया कि ये आरोही और अवरोही होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है, अंग्रेजी में तो सब लोग समझ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग इसको पकड़ते हैं आरोही, इसके आधार पे ये समझ ले आरोही का मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा आरोही का मतलब हम लोग पर्वतारोही कहते हैं, पर्वत आरोही मतलब पर्वत पे चढ़ने वाला, चढ़ने का मतलब बड़ा, यानी कि आरोही को समझ लो पर्वतारोही से बना है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ये ठीक है। इसी के आधार पे आप अवरोही, जब इसका जस्ट अपोजिट अवरोही हो जाता है, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, ये कर लिया फ्रैक्शन वाला, ठीक। इसमें भी देता है किसी तरह, कभी कभी जैसे इस तरह से दे दिया जाए
तो भी हम लोग को देखना क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे ये लिखा है 12√2, 6√5 और 4√3, ये लिखा है। ठीक है, तो अब यहां पर हमको बताना है इसमें कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, इसको कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग भाई? भाई आराम से कर सकते हैं। अगर देखिए हमारे पास कहीं ऐसा लिखा होता 12√4, 12√6, 12√5, 12√7, तो दोस्तों आप सब बहुत आसानी से बता देते हैं इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। कैसे? जब सबका रूट बराबर निकालना है तो जो संख्या बड़ी होगी उसी की वैल्यू बड़ी आएगी, जो संख्या छोटी होगी उसकी वैल्यू छोटी आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं जब, और ऐसा कब हुआ, कब डिसाइड कर सके, जब रूट की वैल्यू सब में बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं रूट की वैल्यू बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो इस रूट को लिख क्या सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं, जो भी रूट की वैल्यू है मतलब उसकी पावर में अपॉन में करके लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 1/6 एंड 3 की पावर 1/4। अब ये रूट की वैल्यूज है, इन्हीं को बराबर करना है, तो इन्हीं का 12, 6 और 4 इनका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 12। ठीक है, अब हमको सम में नीचे 12 करना है, तो आपको पता है 12 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 12 ऑलरेडी है कुछ नहीं सोचना। ठीक, यहाँ पर 12 करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप गुणा करेंगे किससे, 6 है। ठीक है, 12 करना है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 4 1/4 है तो 3 से गुणा करते हैं 12 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 12√2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 12√5 की पावर 2। अब देखिए जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो रूट पे चढ़ेगा और जो ऊपर लिखा है वो पावर पे चढ़ेगा। ठीक, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 12√3 की पावर 3। ठीक है, देखा दोस्तों आपने, इतना लिख लिया हम लोगों ने। अब सब पे रूट की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई, बराबर हो गई। तो अब देखेंगे अंदर का जो बड़ा वो बड़ा, जैसे 2 क्या है भाई, 2 की पावर कुछ नहीं, एज इट इज हो गया। 5 की पावर 2 मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। 3 पावर 3 मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो ये 25 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है भाई, तो अब ये हो गया करने का प्रोसेस, इस तरह से देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये हो गया। ठीक, ये तो था, इसको बराबर प्रोसेस था, चेक करना था ऐसे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमको यही पे डिसाइड करना है, तुरंत कुछ नहीं करना है, ये 12, ये 6 और ये 4 इनका एलसीएम लिया हमने। ठीक है, ये आया 12, इस 12 से इसको 12 को डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार। ठीक, तो 2 की पावर 1 तुरंत लिख देंगे। इस 6 से 12 को डिवाइड किया कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार, 5 की पावर 2 लिख देंगे। 4 से 12 को डिवाइड किया कितनी बार गया दोस्तों, ठीक है, 3 बार, तो 3 पावर 3। अब इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, और इसकी वैल्यू 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो बड़ा था वही इसमें बड़ा, जो छोटा वो छोटा था, सबसे बड़ा उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाने कह रहा है या आरोही क्रम में, तो इसका मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 25। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है या अवरोही क्रम में, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, वैल्यूज चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब ये दिया है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, 3 दिया है। ठीक है, और पावर 3, 2, 5 ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं यहां पर भी थोड़ा सा कर लेते हैं टेस्ट, 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा बड़ा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट की वैल्यूज जो है इनका तुरंत क्या लेंगे, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 अभी भी होगा, 3 से 12 को भाग लगाया कितना आया, 4, तो 3 की पावर 4 तुरंत लिख दिया आपने। 6 से भाग लगाया 12 को कितना आया, 2, तो 4 पावर 2 लिख दिया। 4 से भाग लगाया 12 को 3, 5 पावर 3 लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 81, ये कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा, 125। ठीक, तो अब इसमें बड़ा क्या है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा। समझ में आई बात भाई? ठीक है, एक बार और देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेकर के।
ठीक है, जैसे हमने गाना थ्री ऐसे लिख लिया, ठीक है, फोर रूट थ्री, फिर फोर रूट फाइव लिख लिया ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर रूट है, मतलब दो होता है, ठीक, दो लिख लिया, इसका और इसका, इसका एलसीएम, एलसीएम अभी भी कितना होगा दोस्तों, 12 होगा, ठीक है। तो अब इससे 12 से भाग लगाए, दो से भाग लगाए, 12 को कितना आया, 3 पावर 6, ठीक है, इससे भाग लगाया का है कितना आया, 4, तो 4 की पावर 4, इससे भाग लगाया 3 यानी 5 की पावर 3, ठीक। अब इनको हम ओपन करेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए यहां पर अब आपको दिक्कत होगी 3 की पावर 6 करने में, कोई दिक्कत नहीं है, 3 की पावर 3 × 2 कर सकते हैं बताइए, या 3 की पावर 3 + 2 कर सकते हैं, ठीक, या ये भी ना करें, चलिए 3 पावर 3 होल पावर 2 कर सकते हैं, मतलब इनका फैक्टर में इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पावर 2 होल पावर 2, इसको 5 पावर 3, छोटे या 3 तक सबको जनरली याद रहता है, तो कर लेते हैं। अब देखिए 3 पावर 3 कितना होता है, 27, फिर 27 का स्क्वायर कर देंगे तुरंत यहाँ पर आ जाएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है, 16, 16 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा, और इसका क्यूब कर देंगे यहाँ, तो इस तरह से जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी आ जाएगी और जो छोटी वो छोटी हो जाएगी, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक और खास इसी तरह से दिया जाता है, जिसपे हम लोग को थोड़ा सा उस पर भी फोकस कर लेते हैं। जैसे आपको दिया है, मान लीजिए 2 की पावर 60 दिया है, 3 पावर ये दिया है, 4 की पावर आपको दे दिया जाए 30, और 5 की पावर दे दिया जाए 15, ठीक है, इस तरह से दे दिया जाए। अब इसमें आपको बताना सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या है, तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे उस पे हमने रूट वाली वैल्यू उसमें देखा था कि रूट की वैल्यू अगर बराबर हो तो जो अंदर रूट में लिखा है बड़ा तो बड़ा होगा, जो छोटा लिखा है वो छोटा होगा। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, पावर, तो पावर की वैल्यूज अगर बराबर हो, जैसे एक फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है 5 की पावर 60, ठीक है, 7 की पावर 60, ठीक है, 9 की पावर 60, 18 की पावर 60, ऐसे लिखा है, तो आप देखेंगे यहां से क्या है दोस्तों कि जब पावर सबकी बराबर है, जब पावर बराबर है तो निश्चित तौर पे जो संख्याएं नीचे लिखी है जो बड़ी होगी वही बड़ी, जो छोटी होगी वही छोटी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनका पावर बराबर करते हैं। पावर बराबर करने के लिए भाई क्या किया जाएगा, आप सोच रहे हो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो इनकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप की हो जाएगी, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेते हैं इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एचसीएफ लेते हैं और इनका एचसीएफ कितना होगा आपका 15। एलसीएम एचसीएफ हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है दोस्तों, 3 पार्ट हमने एलसीएम एचसीएफ के 3 पार्ट हमने डाल रखे हैं ऑलरेडी, तो आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम होगी समझने में तो पहले एलसीएम एचसीएफ वहां से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब एचसीएफ लिया, एचसीएफ से इसको भाग लगा देते हैं 60 को, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, बोलिए भाई, 60 को भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, है कि नहीं, बोलिए, तो 4 की पावर 15 इसको लिख सकते हैं। अब देखिए किसी की पावर, जैसे एक्स की पावर ए होल पावर बी, इसका मतलब होता है एक्स की पावर ए इंटू बी, ठीक है दोस्तों, ये इसलिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब 15 से 60 को भाग लगाया 4 बार गया, 4 यहां पावर में छोड़ दिया और 15 होल पावर लिख दिया, ठीक। अब यहां पर 3 45 को भाग लगाया, कितनी बार गया, 3 यहां लिखा और 15 होल पावर लिख दिया, ठीक है, 15 3 45, 15 4 60 हो गया, ठीक है, 4। अब 15 को इससे भाग लगाया, कितना बार गया, 2 बार, और यहां 15 लिख दिया, इसको भाग लगाया 5 को तो 1 बार और पावर 15 लिख दिया। अब देखिए ऊपर सबकी पावर समान हो गई, ठीक है, इसका मतलब कि जो अंदर ये वैल्यूज है जो बड़ी होगी वही बड़ी, जो छोटी होगी वही छोटी, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 16, 2 की पावर 4 कर ही लेंगे 16, ठीक है, 3 पावर 3 कितना हो जाएगा 27, और 2 4 की पावर 2 16, और 5 की पावर 1 यानी 5, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 तो बराबर आ गए, बाकी ये बड़ी और ये सबसे छोटी होगी, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको।
एक बार फिर से एक अगले एग्जाम्पल पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे लिखा है 3 की पावर 72, पांच पावर 54, 6 की पावर 36, ठीक है इतने में देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका फिर से इनकी पावर का HCF लेंगे दोस्तों। क्या लेंगे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना हो जाएगा आपका? 18, ठीक है। 18 से इसको भाग लगाया, कितनी बार गया? 4 बार, तो 3 पावर 4 होल पावर 18। फिर 5, इसको 54 को भाग लगाया, 3 बार गया, यानी 5 पावर 3 होल पावर 18। 6 को भाग लगाया, 2 बार गया, होल पावर 18, ठीक है। जितनी बार इसको डिवाइड करने पे जितनी बार जा रहा है उतना पावर में, और उसकी होल पावर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लिख लेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 3 पावर 4, आपको पता होगा दोस्तों 81 होता है, ठीक। 5 पावर 3 125, 6 पावर 2 36, ठीक है। तो अब आपको क्लियर पता चल गया, जो संख्या बड़ी वही बड़ी, जो छोटी वही छोटी होगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको इसका रिव्यू दिखा देते हैं कि करना क्या है, 3 टाइप में करना क्या है, ठीक है। जैसे आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दिया है, ठीक है, 23/25, ठीक है, 27/31, ठीक है, और 18/23 ऐसे भी है, ठीक है। तो यहां पर एक बार फिर से सब फिर से देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों ने सबसे पहले इनका अंतर लिया, 23 2 25 2 हो गया, 27 4 31, ठीक है, और ये 5 हो गया, ठीक है। अब इनका हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 20, ठीक है। अब इससे हमने क्या किया, इससे इसको डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, कितना है? 10 बार, इसमें 10 का गुणा, ठीक है, तो कितना होगा? 230। 4 से डिवाइड किया, 5 बार, 5 का इसमें गुणा, 5 × 10 = 35, 5 × 10 = 13, ठीक है। अब 5 से भाग लगाया, 4 बार गया, 4 से इसमें गुणा, 72। अब देखिए जो संख्या बड़ी है सबसे बड़ी, उससे छोटी सबसे छोटी, ये आ गया। मतलब जब भिन्न में दिया हो तो अंश और हर का अंतर और उनका एलसीएम, और एलसीएम को उन्हीं अंतर से भाग लगाते जाएंगे, जो आएगा अंश पे गुणा करते जाएंगे। अगर रूट में दिया है, √4, 4√5, 5√6 ऐसे दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर रूट में, यहां पर कुछ नहीं, क्या मानते हैं? 2, और इनका लेते हैं क्या? एलसीएम, ठीक है भाई, एलसीएम इनका जो भी है ले लेंगे। अगर ये पावर में दिया है, 2 की पावर 60, 5 पावर 72, 6 की पावर 84 इस तरह से दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एचसीएफ लेंगे। समझ में आई बात भाई? एचसीएफ लेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ एलसीएम लिया है तो एलसीएम को इनसे भाग लगाते चले जाएंगे, ठीक है, जो आएगा इसकी पावर पे लिखते चले जाएंगे, और फिर अंदर जो वैल्यू बड़ी वो बड़ी, जो छोटी वो छोटी। यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ से निश्चित तौर पे इनको भाग लगाएंगे, और जो भाग लगा करके जो बचेगा उनकी पावर पे लिखते चले जाएंगे, और जो संख्या बड़ी वो बड़ी, जो छोटी वो छोटी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, बस यही छोटा सा पार्ट डालना था। कल हम लोग एक डिस्कस कर लेंगे इकाई का अंक निकालना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारी बात पहुंचाएं, शेयर करें जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू क्लास।